हेलो एवरीवन, दिस इज चित्रा यादव, लेक्चरर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट वीमेंस पॉलीटेक्निक कॉलेज, अजमेर। आज मैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ फैशन में टॉवल्स के बारे में जानकारी दूंगी। CD 203 थ्योरी ऑफ फैशन सेकेंड में यूनिट 5 सिलेक्शन ऑफ स्पेशल फैब्रिक्स में आज का मेरा टॉपिक है टॉवल्स या तौलिया। तौलिया या टॉवल हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी है और जिसे हम डेली यूज में काम में लेते हैं। टॉवल या टेरी टॉवल ऐसा फैब्रिक है जिसमें उभरे हुए धागों के लूप्स बने रहते हैं जो कि पानी को अवशोषित कर सकते हैं। यह वीविंग या नटिंग से बनाए जा सकते हैं। तौलिए का मुख्य कार्य नमी को अवशोषण करना है, अतः तौलिए को पोंछने के काम में लिया जाता है और इसकी उपयोगिता के अनुसार कई प्रकार के व कई साइज में उपलब्ध होते हैं। साइज के आधार पर तौलिए 5 प्रकार के होते हैं। गेस्ट टॉवल जो कि 11x18 इंच अर्थात 11 इंच लंबाई और 18 इंच चौड़ाई के तथा 13x20 इंच के उपलब्ध होते हैं। स्मॉल टॉवल 16x26 इंच तथा 18x36 इंच के उपलब्ध होते हैं। बाथ टॉवल 20x40 इंच तथा 22x44 इंच के उपलब्ध होते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज साइज टॉवल 26x46 इंच और 27x50 इंच के होते हैं। बीच साइज टॉवल 35x70 इंच तथा 36x72 इंच के होते हैं। तौलिए का सिलेक्शन करने से पहले हमें उसके निम्नलिखित गुणों को चेक कर लेना चाहिए। सबसे पहला गुण है सरफेस ऑफ फैब्रिक अर्थात तौलिए की सतह किस प्रकार की है। तौलिए में नमी को अवशोषण करने की क्षमता होने के साथ साथ ही उसमें रगड़ व घर्षण को सहन करने का गुण भी होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि तौलिए में लूप्स या पाइल हैं वो अच्छे हो, सतह की बनावट दृढ़ हो और कॉम्पैक्ट हो। इससे तौलिए में मजबूती आती है और तौलिए में ऊपर लूप्स बने होने के कारण उसकी बुनाई छिप जाती है। इसे चेक करने के लिए हमें तौलिए को प्रकाश की तरफ पकड़कर देख लेना चाहिए कि बुनाई उसमें समान और अच्छी हो। यदि छेद बड़े हैं तो बुनाई निम्न श्रेणी की होती है। सेकेंड पॉइंट है एब्जॉर्बेंसी या अवशोषकता। तौलिए में लूप्स या पाइल से तौलिए में अवशोषण का गुण आता है, अतः उनका पास पास होना जरूरी है। अच्छी किस्म की तौलिए में पाइल के ऊपरी भाग द्वारा ही नमी को सोखा जाता है और नमी सतह तक नहीं पहुंचती है, अतः तौलिए में जल्दी नमी को अवशोषित करने के साथ जल्दी नमी से मुक्त हो जाने का गुण भी होना चाहिए अर्थात वह जल्दी ही सूख जाए। थर्ड पॉइंट है वीविंग। तौलिए में ताने व बाने के धागों से प्लेन वीव होती है और उसके बीच में तीसरा धागा इतना ढीला छोड़ दिया जाता है कि जिससे उसमें नियमित दूरी पर लूप्स बन जाते हैं। यह लूप जितने लंबे होते हैं तौलिए में उतनी ही अवशोषण क्षमता होती है। तौलिए का सिलेक्शन करते समय उसके यार्न को ट्विस्ट को देखना भी आवश्यक है। हाईली ट्विस्टेड यार्न की अपेक्षा लो ट्विस्ट से बने धागों के लूप नमी को ज़्यादा सोखते हैं और यदि धागों की बटाई या ट्विस्टिंग ज़्यादा होती है तो तौलिए रफ और सख्त होते हैं। कम बटाई के धागों से बने तौलिए नरम होते हैं। हम अपनी पसंद के अनुसार सॉफ्ट या हार्ड टॉवल्स यूज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है फर्म सेल्वेस या मजबूत किनारी। तौलिए की किनारी या सेल्वेस मजबूत होनी चाहिए। यह साधारण सेल्वेज हो सकती है या कई बार सिली हुई भी हो सकती है। सिक्स्थ है फैब्रिक। तौलिए के लिए सेलुलोजिक फाइबर जैसे कॉटन,
मॉडिफाइड रेयॉन, लिनन आदि फाइबर उपयुक्त रहते हैं क्योंकि इनके अवशोषण क्षमता उत्तम होती है। साथ ही कॉटन में पॉलिस्टर का मिश्रण भी सही रहता है क्योंकि पॉलिस्टर से मजबूती बढ़ती है और ये वजन में हल्के होते हैं तथा कम सिकुड़ते हैं। टॉवल्स के लिए प्राय कॉटन फैब्रिक्स ही उपयुक्त रहते हैं। टॉवल्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के कॉटन फैब्रिक्स होते हैं जिनसे टॉवल बनाए जाते हैं। वे इस प्रकार हैं, फर्स्ट है कॉटन और बैम्बू। कॉटन व बैम्बू के धागों को मिक्स करके अच्छा सॉफ्ट अवशोषक कलर फास्ट फैब्रिक बनाया जाता है। यह इको फ्रेंडली टॉवल्स होते हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल भी होते हैं। सेकेंड है इजिप्शियन कॉटन। इन कॉटन का फैब्रिक उत्तम क्वालिटी का होता है। यह अत्यधिक मुलायम, अवशोषक व टिकाऊ होते हैं। थर्ड है टर्किश टॉवल। यह टर्की देश में उत्पन्न कॉटन से बने मोटे लंबे लूप्स वाले उत्तम क्वालिटी के टॉवल होते हैं। यह अत्यधिक मुलायम व महंगे होते हैं। फोर्थ है कॉम टॉवल। यह मजबूत और टिकाऊ टॉवल होते हैं। यह ज़्यादा मुलायम नहीं होते हैं। फिफ्थ है पाइमा कॉटन। यह उत्तम क्वालिटी के बाद टॉवल होते हैं जो कि मुलायम, टिकाऊ और अवशोषक होते हैं। उपयोगिता के आधार पर तौलिए निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बाथ टॉवल। बाथ टॉवल नहाने के बाद शरीर को पोंछने के काम में आता है। इन्हें टर्किश टॉवल के नाम से भी जाना जाता है। यह निश्चित साइज व निश्चित संरचना का तौलिया होता है जिसकी सतह मुलायम व रोएदार होती है। यह स्किन के लिए कंफर्टेबल होते हैं व पानी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोखते हैं। इनका चयन करते समय इनके टिकाऊपन व नमी को सोखने की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। टेरी टॉवल में लूप्स को निर्मित करने वाले धागों को ताने व पानी के धागे पकड़े रहते हैं। लूप सिंगल या डबल हो सकते हैं। डबल लूप वाले टॉवल ज़्यादा घने और ज़्यादा पानी को सोखते हैं। इनका बॉर्डर पतला हो तो ही अच्छा रहता है और इन टॉवल में इनके वजन से 7 से 8 गुना पानी सोखने की क्षमता होनी चाहिए। सेकेंड टाइप है हैंड तथा फेस टॉवल। हाथ मुंह पहुँचने वाले तौलिए केवल कॉटन लिनन या कॉटन लिनन के मिश्रण से बनते हैं। इनमें ट्विल वीव, हनीकॉम, हकबैक, साटन या नमूनेदार बुनाई का प्रयोग किया जाता है। हनीकॉम तथा ज्योमेट्रिकल नमूने इन पर बनाए जाते हैं। हैंड व फेस टॉवल में फाइबर, धागे की ट्विस्टिंग मोटाई और इनकी वीविंग की सघनता पर ही इनकी कार्यक्षमता व कोमलता निर्भर करती है। हैंड टॉवल कई साइज में उपलब्ध होते हैं तथा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। थर्ड टाइप के हैं किचन टॉवल या रसोई में काम में आने वाले टॉवल्स। ये लिनन व कॉटन से बनती है और इनमें भी अवशोषकता के गुण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। इनमें धुलाई आसानी से हो जाए और ये मजबूत व टिकाऊ होने चाहिए तभी इन्हें हमें खरीदना चाहिए। इनका प्रयोग रसोई घर के संबंधित कामों के बीच हाथ पोंछने के लिए किया जाता है और ये जल्दी नमी सोखने वाला, जल्दी धुलने वाला और जल्दी सूखने वाला होना चाहिए। इनकी लंबाई चौड़ाई हम व्यक्तिगत रुचि व सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। फोर्थ टाइप के टॉवल हैं डिश टॉवल, जो कि बर्तन पोंछने के काम में आते हैं। अन्य टॉवल के समान ही इनमें अवशोषकता, कोमलता और मजबूती के गुण होने चाहिए। डिश टॉवल में ऊपरी सतह रोएदार नहीं होनी चाहिए, अन्यथा रोए बर्तनों पर चिपक सकते हैं। डिश टॉवल नरम होने चाहिए और ये लाइट कलर के होने चाहिए। इनमें लिनन कॉटन या रेयॉन कॉटन के मिश्रण से बने फैब्रिक्स ही प्रयोग में लेने चाहिए जिनकी कार्यक्षमता अच्छी होती है। फिफ्थ टाइप के टॉवल हैं बीच टॉवल।
जो कि समुद्र के किनारे सनबाथ के लिए या स्विमिंग पूल में जाते समय काम में आते हैं। बीच टॉवल अपनी क्वालिटी, संरचना व अपीयरेंस के कारण अन्य टॉवल से भिन्न होते हैं। यह स्टाइलिश टॉवल होते हैं जो कि फैशन एक्सेसरीज भी हैं। इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। यह काफ़ी फ्लफी व एब्जॉर्बेंट होते हैं जो कि स्ट्राइप्स, ट्रॉपिकल प्रिंट्स, एनिमल व ग्राफिक प्रिंट्स में उपलब्ध होते हैं। टॉवल के लिए फैब्रिक का सिलेक्शन करने के साथ साथ टॉवल की केयर करना भी आवश्यक है। फर्स्ट पॉइंट है इसके फैब्रिक सॉफ्टनर्स, अर्थात हमें टॉवल्स के लिए कभी भी फैब्रिक सॉफ्टनर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके कुछ अवशेष टॉवल की सतह पर रह जाते हैं जिससे उसकी अवशोषण क्षमता कम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है वॉश विथ विनेगर। टॉवल को कभी कभी विनेगर या सिरके से धो लेना चाहिए जिससे उसमें चिकनाई अच्छी तरह साफ हो जाती है और वह ज़्यादा अवशोषक हो जाते हैं। थर्ड